Welcome to my educational platform. The name of this platform is Unique Self-Teaching, 8th Class Mathematics, Factorization and Simultaneous. Again is the name of the topic. Exercise is 6.12. इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर वन के ऑल पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और क्वेश्चन नंबर टू में पार्ट वन का अपलोड इससे पहले हो चुका है। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट टू अपलोड होगा। एलिमिनेट टी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। पहली इक्वेशन है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू टी और सेकंड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री टी स्क्वायर। टी को हमने एलिमिनेट करना है तो इक्वेशन वन और टू दोनों में से आप टी का वैल्यू फाइंड कर लें। टी का वैल्यू फाइंड करने के बाद उनको आपस में इक्वेट कर लें तो टी ऑटोमेटिकली इसमें से फिनिश हो जाएगा। सबसे पहले देखें जो फॉर्मूला इसमें यूज होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। एलजेब्रा में जो फार्मूलाए हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपको फार्मूलाए नहीं आते तो इट मीन कि आप कभी भी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे और उल्टा आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं कैसे इसको सॉल्व करूं। उसके लिए मैंने अपने चैनल में एक वीडियो बना रखा है जिसमें सारे के सारे मैंने फार्मूले अपलोड किए हैं। अगर YouTube की सर्च में आप लिखें एलजेब्रिक आइडेंटिटीज बाय यूनिक स्टाइल ऑफ टीचिंग तो मेरा वो वाला वीडियो आपको मिल जाएगा और उस वीडियो में जाके आप सारे फार्मूले अच्छे तरीके से लर्न कर लें। बहरहाल मैंने हर क्वेश्चन में भी कोशिश की है कि फार्मूला भी लिख दूं ताकि आपको बार बार वो वीडियो ना देखना पड़े, आपका यह मकसद पूरा हो जाए। By solving equation one, x minus y is equal to 2t. t का वैल्यू यहां से हमने फाइंड करना है तो 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ t के साथ तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा x minus y divided by 2। Now taking square both sides we get t square is equal to x minus y upon 2 whole square। यहां पे इसको मार्क मैं नहीं करता हूं 3 क्योंकि ये नीचे इसको मार्क कर दिया गया है। अब यहां पे t का स्क्वायर हो गया और ये x minus y whole square बेसिकली फार्मूला जो कि ऑलरेडी मैंने ऊपर लिखा है इट विल बी x square minus 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू का स्क्वायर लेंगे इट विल बी फोर। बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री टी स्क्वायर।
इसको मैं जब रीराइट करता हूं तो इट विल बी 3t स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मुझे टी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है टी स्क्वायर के साथ तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब ये डायरेक्ट मुझे यहाँ से टी स्क्वायर का वैल्यू मिल गया। तो इक्वेशन वन को जब हमने सॉल्व किया था उसमें हमने टी स्क्वायर का वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, इसको मैंने मार्क कर दिया है इक्वेशन नंबर 4। नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 3 और 4 को मैंने इक्वेट किया है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। यहाँ लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, अगर आपने नहीं भी लिखा तो इक्वेशन 3 और 4 को मार्क कर दिया है, इट विल सफाइस। अब आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 है और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट बेसिकली यूज होगा, फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई होगा दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ, सिमिलरली फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकेंड फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर के साथ। ये देखिए 3 into x square minus 2xy plus y square is equal to 4 into x square plus y square, 3 ones are 3, 3x square minus 3 twos are 6, xy plus 3 ones are 3, 3y square is equal to 4x square plus 4y square। अब ये मैं 3x स्क्वायर को दूसरी तरफ ले गया हूँ, शिफ्ट किया है 4x स्क्वायर, क्योंकि 3x स्क्वायर लाइक टर्म्स थे तो 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर जाकर माइनस कर दिया, और इसी तरह 4y स्क्वायर में से अब मैंने 3y स्क्वायर को दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो माइनस हो गया 4y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, और ये माइनस 6xy को जब दूसरी तरफ शिफ्ट करूँगा तो इट विल बी पॉजिटिव 6xy प्लस 6xy। अब आप देखें 4x² 3x² चूंकि लाइक टर्म से 4 माइनस 3 पॉजिटिव मिलेगा x स्क्वायर, इसी तरह 4y² - 3y² पॉजिटिव y स्क्वायर मिलेगा और प्लस 6y उसी तरह लिख दिया। इसको ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। It is x square plus y square plus 6y is equal to 0। अब आप देख लें कि t को हमने eliminate करना था, हम आपके final answer में t नहीं है। इसके साथ ही exercise 6.12 question number 2 part 2 का completion हुआ जाता है। आप लोगों से request है कि channel से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। अगर कहीं आपको कोई क्यूरी हो तो उस क्यूरी का रिप्लाई उस क्यूरी को आप अपना मेरे चैनल में कमेंट करें ताकि मैं आपका क्यूरी का रिप्लाई कर सकूं। और एंड पे मैं रिक्वेस्ट किया करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल पे कमेंट करें और मेरे वीडियो पे कमेंट करें, और मेरे वीडियोस का अपने फ्रेंड्स और क्लास फेलोज के साथ शेयरिंग जरूर कीजिए। अगर आपको ऑनलाइन टीचिंग सर्विसेज रिक्वायर्ड हो तो उसके लिए मेरा सेल नंबर नोट कर लें, दैट इज 0321-5838-264। थैंक यू वेरी मच।